हवेली खड़गपुर के वरी गांव में दो पक्षों के बीच हुई रोड़ेबाजी एवं गोलीबारी में 7 लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों के बीच 25 से 30 राउंड गोलियां भी चली। रोड़ेबाजी से 100 गज की दूरी तक पूरी सड़क ईंट और पत्थरों से भरी पड़ी थी। सभी घायलों का इलाज खड़गपुर PSC में कराया गया। वहीं गले में गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी रजनीश कुमार को डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, पुलिस अंचल निरीक्षक बालकृष्ण यादव एवं पुलिस बल के जवान घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों की भीड़ को तितर बितर कर दिया। तत्पश्चात बुद्धिजीवियों के बीच शांति समिति की बैठक बुलाकर मामले को शांत कराया गया। जख्मी में रजनीश कुमार, सोनू कुमार, धीरेन्द्र कुमार, जयराम कुमार, पंकज यादव और चंदन विंद शामिल हैं। दी गई जानकारी के अनुसार गत 27 दिसंबर को श्राद्ध कर्म के दौरान पूर्व सरपंच पवन यादव के पुत्र PKS यादव उर्फ धनराज एवं उदय बिंद के पुत्र अरविंद बिंद के बीच तनातनी हुई थी। उसी मामले को लेकर आज दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के दौरान दोनों पक्षों के लोग उग्र हो गए और दोनों ओर से ईंट पत्थर और गोलीबारी शुरू हो गई। इधर पूरे मामले पर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दोनों पक्षों के बीच आगे शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए शांति समिति का गठन कर दिया गया है। दोनों पक्षों की ओर से प्राप्त आवेदन के अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति की बैठक के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पौलस्त कुमार के नेतृत्व में खड़गपुर, टेटिया, बम्बर एवं गंगटा थाना पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। फिलहाल तनाव के बीच मामला शांतिपूर्ण है। सोमवार के लिए हवेली खड़गपुर से मुंगेर टीम की रिपोर्ट। गोली चल गया तो पता नहीं चला हमको, चला कि गोली लग गया, इसके बाद हम घर गए तो बोला कि लग गया गोली। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।